भारतीय जनता पार्टी की ये पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा देश को पहले शर्मिंदा कर चुकी है पैगंबर साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर, मगर भारतीय जनता पार्टी कोई सबक नहीं लेना चाहती। जैसा कि आप जानते हैं, दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की थी। अब जो खतरे की घंटी आ रही है, और मैं चाहूंगा आप इस बात पर गौर से सुने, खतरे की घंटी अब मध्यपूर्व देशों से आ रही है। आपके सामने अल जजीरा अरबिक की न्यूज, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस खबर को किया है कि भारत के एक सांसद ने हिंदुओं की एक भीड़ को संबोधित किया और उनसे कहा कि मेरे साथ शपथ लीजिए कि हम मुसलमानों को हमेशा के लिए उनका बहिष्कार करेंगे, उनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदेंगे और उन्हें हम नौकरियां नहीं देंगे। ये है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का बयान। आप सब जानते हैं कि नुपुर शर्मा मामले में क्या हुआ था। नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ा था। सबसे पहली बात आपको याद होगा, उस वक्त विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था कि नुपुर शर्मा जो है वो फ्रिंज एलिमेंट है, यानी कि मुख्यधारा का हिस्सा नहीं, जबकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। बात वहां नहीं रुकी, जैसे ही गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और लाला रामदेव के धंधे को नुकसान पहुंचने लगा मध्य पूर्व में, इन्होंने तुरंत नुपुर शर्मा को जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया। मगर आज तक दोस्तों, आज तक नुपुर शर्मा से पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की पुलिस जब उनसे पूछताछ करने आ रही थी तो उन्हें छुपा दिया गया था, उनसे पूछताछ नहीं करने दी गई थी। तेलंगाना पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी मगर उनसे पूछताछ नहीं करने दी गई थी। अब इस विवादास्पद सांसद, जिसे भारतीय जनता पार्टी को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए, उसने एक बयान दिया है जो भारत के गले की भांस बन सकती है। सबसे पहली बात, उस आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, मगर प्रवेश वर्मा के उस विवादास्पद बयान पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, पुलिस ने उनसे पूछताछ भी नहीं की है। कायदे से यह शो अब तक आ जाना चाहिए था, मगर मैं इंतजार कर रहा था कि इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस क्या करती है। दिल्ली पुलिस अब भी इस पर खामोश बनी हुई है, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में संदेश दे रही है कि हमारे देश के अंदर मुसलमानों को गालियां देना एक सही चीज है और हमारे सांसद इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अगर मध्य पूर्व के देशों ने भारतीयों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो इसका नुकसान देश को कितना होने वाला है? नंबर एक, हमारे भारतीय जो वहां रहते हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, उनकी जान आबरू को खतरा पैदा हो सकता है। नंबर दो, इन तमाम देशों से बड़े पैमाने पर फॉरेन रेमिटेंस आता है, विदेशी मुद्रा आती है, भारत को आर्थिक तौर पर और हमारे जो नागरिक वहां रह रहे हैं उनके जान माल को नुकसान हो सकता है। क्या प्रवेश साहिब सिंह जैसे लोगों को इस बात का अंदाजा है? क्या यह सांसद इसी तरह से भड़काऊ बयान देता रहेगा और मोदी सरकार इस पर खामोश बनी रहेगी? दोस्तों, इस सरकार के दोहरे मापदंड देखिए, एक तरफ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से अब तक कुछ पूछताछ तक नहीं हुई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक मंत्री और विधायक, अब पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस रविवार को बाबा साहब अंबेडकर जो 22 प्रतिज्ञाएं लेते थे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिज्ञा ली, ये कहते हुए कि इस समाज में दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, वो यही बात कह रहे थे। और राजेंद्र पाल गौतम वो प्रतिज्ञा ले रहे थे जो 1956 से लगातार इस देश में ली जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम को उनकी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने तो इस्तीफा दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से पूछताछ तक क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र पाल गौतम ने तो वो काम किया है जो पिछले कई सालों से इस देश में चला आ रहा है, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं,
और उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ली फिर से? वो इसलिए ली क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम का ये कहना था कि इस देश के अंदर दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और आप जानते हैं इसकी ढेरों मिसालें हैं। आपके सामने अपने स्क्रीन्स पर देखिए किस तरह से दलित बच्चियों का बलात्कार किया गया। आपके सामने हाथरस में देखिए किस तरह से एक परिवार के साथ अत्याचार किया गया जब रातों रात उनकी गुड़िया का शव जला दिया गया था। आपके सामने ये मिसाल है जहां मिश्रा बंधुओं ने एक दलित जगरूप को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने भगवान की मूर्ति को छुआ था। आपके सामने कर्नाटक की एक मिसाल, एक दलित पर 60,000 का जो है जुर्माना लगाया गया, क्यों? क्योंकि उसने भगवान की मूर्ति को छुआ। ऐसी ढेरों मिसालें सामने हैं जहां दलितों की बारातों को रोक दिया गया था, अगड़ी जातियों की बस्तियों से उन्हें निकलने नहीं दिया गया था। दलित जब घोड़ी पर चढ़ता था तो उस बात को लेकर भी उस पर निशाना साधा गया, कई जगहों पर दलितों की जानें ले ली गईं। यह सब इस देश में हो रहा था और इसी आक्रोश के चलते राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब अंबेडकर की वो शपथ ली। और भारतीय जनता पार्टी की दबंगई देखिए कि उसने बाबा साहब अंबेडकर को भी धता बता दिया, उन्हें भी ठेंगा बता दिया, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को भी ठेंगा दिखा दिया। सबसे बड़ी बात, अगर राजेंद्र पाल गौतम ने धर्म का अपमान किया है तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, मगर वो आदमी प्रवेश साहिब सिंह जो इस तरह से मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को बदनाम कर रहा है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर क्या एक्शन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिर क्यों। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा आज से कुछ महीनों पहले जब नुपुर शर्मा कांड हुआ था उसके ठीक बाद बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए थे। उन दिशा निर्देशों में स्पष्ट था कि आप दूसरे धर्म के बारे में किसी तरह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेंगे, आप अपने निजी विचार जो हैं वो जाहिर नहीं करेंगे, आपको पार्टी से बात करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर इस तरह के बयान देंगे। मगर ये आदमी एक मंच पर जाता है और इस तरह से भड़काऊ बयान देता है जहां पर एक और बीजेपी का विधायक नंद गुर्जर वो भी भड़काऊ बयान दे रहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं और ये बात मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कही थी, वो जो आयोजन हुआ था वो एक हिंदू लड़के की हत्या के मुद्दे पर हुआ था जिसमें आरोपी मुसलमान बताए जाते हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनका दोष साबित होने के बाद उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था अगर 10-12 मुसलमानों ने गुनाह किया है तो उसका दोष पूरे समुदाय पर नहीं मढ़ा जा सकता। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर दलितों के साथ कोई अत्याचार होता है या फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है और उन मॉब लिंचिंग और उन अत्याचारों के पीछे अगड़ी जाति के हिंदुओं का नाम होता है तो इसका दोष पूरे हिंदू समुदाय पर नहीं मढ़ा जा सकता। आप यह ना भूलें कि निर्भया के साथ जो दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले लोग थे उस नाबालिग के अलावा कौन लोग थे? एक पंडित था, एक ठाकुर था और एक बनिया था। इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि इसके लिए आप इन जातियों पर उसका दोष मढ़ें। उसी तरह से मनीष के साथ जो अत्याचार हुआ है उसे कानून के तहत संबोधित किया जाना चाहिए। प्रवेश साहिब सिंह को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो इस तरह से हरकतें करें। मगर साफ तौर पर दोस्तों कानून का फर्क दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रवेश वर्मा को लेकर कानून अपनी आंखें मूंद लेता है मगर जब राजेंद्र पाल गौतम की बात आती है तो पुलिस सीधे उन पर दबिश डालने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है, उन्हें समन जारी कर देती है। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। आपके सामने यह है आम आदमी पार्टी का एक नेता गुजरात का, नाम है गोपाल। गोपाल ने आज से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था नीच, इसी शब्द का इस्तेमाल आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने किया था। इस बात पर मुझे दो आपत्तियां हैं। आपत्ति नंबर एक, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को हमें सलीके से संबोधित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त भाजपा के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में ढेरों आपत्तिजनक बातें कही थी। यही नहीं,
मौजूदा प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में जर्सी काउ शब्द का इस्तेमाल किया था, कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल किया था, शशि थरूर की मरहूम पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं ये सब जानता हूं, मगर हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, लिहाजा हमें सबको राजनीतिक दायरे में रहकर, राजनीतिक गरिमा में रहकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको याद होगा जब मणिशंकर अय्यर ने उस शब्द का इस्तेमाल किया था तब क्या हुआ था। तब भाजपा का प्रचार तंत्र जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर हमला किया गया है, और उस वक्त इनके कई पालतू न्यूज़पेपर्स ने भी यही प्रचार चलाया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी तरह का प्रचार अब चलाया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री के आसपास, उनकी छवि के आसपास सहानुभूति पैदा की जाए गुजरात के अंदर। और इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, मगर आज मैं कुछ और कह रहा हूं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी नेता गोपाल को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप जल्द से जल्द हमारे सामने हाजिर हों, यहां दो बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुष हैं, महाबली हैं, महापुरुष हैं। कहने का अर्थ यह कि यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों कूद रहा है बताइए। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होने के बजाय एक भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर काम करती हैं, मगर कृपया चीजों का मजाक ना बनाएं। गोपाल को तो आपने तुरंत समन भेज दिया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी का कोई नेता आपत्तिजनक बयान देता है महिलाओं के बारे में, मुझे बताइए क्या रेखा शर्मा ने सीटी निर्मल कुमार को कोई समन जारी किया था जब उन्होंने राहुल गांधी की जो भांजी हैं उनको लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, या संबित पात्रा को उन्होंने कोई नोटिस जारी किया था जब उन्होंने इस लड़की के बारे में अश्लील और वाहियात टिप्पणी की थी जो राहुल गांधी का हाथ पकड़ के चल रही थी, या बीजेपी के उन तमाम नेताओं ने जो विवादास्पद बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर। मगर यहां पर जो गोपाल ने बयान दिया है वो तो महिला सूचक है भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया है जो गलत है, जो नहीं देना चाहिए था, मगर यहां पर महिलाओं की तौहीन कहां है मैं समझना चाहता हूं। देखिए, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी नेता गोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी को इस बात पर भी आपत्ति है कि यह जो उनका पुराना वीडियो है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द के साथ साथ सी शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि उन्होंने यह नहीं कहा कि सी से क्या, उन्होंने यह कहा है उस बयान में, वो वीडियो मैंने देखा हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को सी बना रहे हैं। अब सी से क्या है गोपाल ने स्पष्ट नहीं किया, मगर इस बुनियाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की जा रही है। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से पूछना चाहता हूं, आपके सामने यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एएनआई को इंटरव्यू दे रहे थे और तब उन्होंने सी शब्द का इस्तेमाल किया था, याद है कि नहीं आपको? तब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सिर्फ सी नहीं बोला था जैसे आम आदमी पार्टी नेता गोपाल ने कहा था, उन्होंने बाकायदा सी फॉर वो शब्द बोल दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने तो राष्ट्रीय महिला आयोग की घिग्गी बन जाती है। अगर आपको लग रहा है कि सी शब्द महिला सूचक गाली है तो मुझे बताने का प्रयास करें कि आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दौरान क्यों खामोश हो गई थी और आम आदमी पार्टी की नेता गोपाल पर क्यों निशाना साध रही हैं, और खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उनका एक बहुत विवादास्पद इतिहास है। और अगर मैं खुद रेखा शर्मा की बात करूं तो इनका इतिहास देखिए दोस्तों, आपके सामने ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने बहुत से आपत्तिजनक बयान दिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने पूर्व सेना प्रमुख के बारे में क्या कहा था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
आपकी स्क्रीन पर, यह है उनका 2014 का दिया हुआ बयान. लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग's अपॉइंटमेंट एज आर्मी चीफ क्लियर्ड, ही विल पार्टी ऑल नाइट इन सेलिब्रेशन. द आर्मी इज कॉलिंग इट सुहाग रात. लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग जब देश के सेना प्रमुख बने थे तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उसने इसे सुहाग रात बताया था. इस तरह से इस महिला ने हमारी सेना का अपमान किया था. और आज की तारीख में यह महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को इसी तरह से नोटिस भेजती है. अब दूसरा बयान देखिए. थैंक यू डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर बीइंग सो स्ट्यूपिड दैट एवरीवन एल्स लुकिंग इंटेलिजेंट नाउ. यहां पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्टूपिड बता रही है, बेवकूफ बता रही है. और जब आम आदमी पार्टी के नेता ने जो बयान उन्होंने कई सालों पहले दिया था प्रधानमंत्री के बारे में एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने तुरंत नोटिस जारी कर दिया. रेखा शर्मा जी, ये बताइए ना, आप खुद इस हमाम में खड़ी हुई हैं, आप खुद अपनी शब्दावली की बात करें. और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रेखा शर्मा का पूरा इतिहास है इस तरह के विवादास्पद और वाहियात बयान देने का. मैं समझना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस तरह की ट्रोल को आपने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का अध्यक्ष बनाया है. अब आप समझते हैं दोस्तों कि चाहे चुनाव आयोग हो इनका, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे इनकी तमाम संस्थाएं हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, आखिर क्यों ये लोग पक्षपाती तरीके से काम करते हैं? क्योंकि आज की तारीख में इन तमाम संस्थाओं को जो चला रहे हैं वो सब भाजपा के समर्थन में खुल के काम करते हैं, इनके प्रवक्ताओं के तौर पर काम करते हैं. इसलिए मुझे आपत्ति है इस बात पर कि दिल्ली पुलिस जो है वो प्रवेश वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाती तक नहीं. वो प्रवेश वर्मा जो देश का नुकसान कर रहा है, और दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस बुलाती है. पूरी दास्तान है. और आज का मेरा शो इसी बात पर फोकस था कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह का पक्षपात चलता है बीजेपी सरकार के इस सिस्टम के अंतर्गत. निहायत ही शर्म की बात है. बहरहाल, शर्म से ज्यादा ये देश को नुकसान वाली बात है दोस्तों. और हर सच्चे भारतीय को, हर देश के नागरिक को इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए. मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.